मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेगासस फोन में नहीं राहुल के दिमाग में है, वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, विदेशी धरती पर जाकर हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। राहुल गांधी द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान की सभी लोग निंदा कर रहे हैं। इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेगासस फोन में नहीं राहुल के दिमाग में है, देश में कांग्रेस को जनता पसंद नहीं करती है, तो कांग्रेसी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री चौहान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों में बसे हैं, उनके काम की भी चारों तरफ तारीफ होती है, पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख मानते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं, राहुल गांधी ने जो अपमान देश का किया है उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पेगासस फोन में नहीं है राहुल गांधी के दिमाग में है, कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर, ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विदेशी दूतावास में जाके भारत विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशों में भारत को बदनाम करो, देश में नहीं चल रही है कांग्रेस, साफ होती जा रही है। आगे मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ लाडली बहना योजना पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि 2017 में हमने बैगा भारिया सहरिया जनजाति की बहनों के खाते में 1,000 रुपए डालना शुरू किया था ताकि वो अपने परिवार में बच्चों का भरण पोषण ठीक से कर सकें। 2018 तक हमारी सरकार रही और हमने वो 1,000 रुपए बहनों के खाते में डाले, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आई आपकी सरकार ने ये योजना बंद कर दी। कमलनाथ बताएं कि बेगा भारिया सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं उनके खाते में 1,000 रुपए डालना क्यों बंद कर दिया? मैं कमलनाथ जी से दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आज बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। मैंने पहले भी पूछा, जवाब नहीं आया। हमने बेगा भारिया सहरिया बहनों को 2017 में 1,000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से कर सके। जब तक हमारी सरकार रही 2018 तक हमने वो 1,000 रुपया बहनों के खाते में डाला। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा भारिया सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं उनका 1,000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।